प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। मैं तो जानता ही नहीं मैं कौन हूँ। जानता तो मैं भी नहीं कि मैं कौन हूँ। पर तुम रहते कहाँ हो? वहाँ। अरे मेरा निवास स्थान भी वहीं है। अच्छा? हाँ। तब तो हम बंधु हुए। हाँ और मित्र भी। सहायता की, जल के उस भयानक जंतु से हमें बचाया, नहीं तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाते। हम तो अत्यंत भयभीत हो गए थे उससे। मैंने आप दोनों को अपने स्वामी के कानों से निकलते देखा, इसलिए मुझे आप दोनों की सुरक्षा की चिंता हुई। किंतु संकट टला नहीं है, आप दोनों यहीं आसपास रहें तो सुरक्षित रहें। ये जो बड़ी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, ये कौन है? यही तो है मेरे स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु। और ये गहरी निद्रा में नहीं, योग निद्रा में है। मेरे स्वामी भगवान विष्णु तो दिन रात मां शक्ति के बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं। ओम ह्रीं ओम क्लीं। मित्र, इस कानों में जो ध्वनि गूंज रही है वो मां शक्ति का मंत्र है। मुझे भी ऐसा ही लगता है बंधु। किंतु इस मंत्र का जाप करने से क्या होता है? इस मंत्र का जाप करने से शक्ति प्राप्त होती है। तो क्या हम भी इस बीज मंत्र का जाप करें तो हमें भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, हम भी भयमुक्त हो जाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। किंतु पहले आप ध्यान पूर्वक सुनिए, इसे कंठस्थ कर लीजिए, फिर इसका जाप आरंभ कीजिए। चलो बंधु, वही चलकर इस मंत्र को सुनते हैं। हाँ चलो। Thank you.
आंखें खोलो वत्स। तुम्हारी तपस्या सफल हो। हे मां शक्ति। उठो वत्स। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं, किंतु तुमने मेरा स्मरण क्यों किया? हे मां शक्ति, हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा परिचय क्या है। ठीक है वत्स, पहले मैं तुम्हें तुम्हारा नाम प्रदान करती हूँ, अब संसार तुम्हें मधु के नाम से जानेगा और तुम्हें कैटव के नाम से। मैं मधु और मेरा नाम कैटव। अब बताओ क्यों किया तुम दोनों ने मेरा आह्वान? हे माँ शक्ति, हम बहुत भयभीत रहते हैं, डरते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलते हैं तो जल के भयानक जीव जंतु हमें खाने को दौड़ते हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है उनसे लड़ने की। माँ, हम दुर्बल हैं, जिनके पास शक्ति नहीं होती उन्हें सभी डराते हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है उनका जीवन। हे माँ, हमारी भी यही दशा है। फिर तुम चाहते क्या हो वत्स? हे माँ, हमें शक्ति दो, हमें भय से मुक्त कर दो। तथास्तु। हमें ना कोई परास्त कर सके ना कोई मार सके। तथास्तु। हे माँ, हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करके हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दो। जाओ, मैं तुम्हें वर देती हूँ शक्ति का। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओ कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सके, कोई मार ना सके। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देती हूँ। हे माँ, आपने जो कहा वो हो जाएगा? हाँ वत्स, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। वत्स, तुमने मुझे बुलाया, मैं माँ हूँ। पुत्र जब बुलाते हैं तो माँ आ जाती है, जब पुत्र संकट में होता है तो माँ उसकी रक्षा करती है। पुत्र माता से जो कुछ मांगता है माता उसे देती है। मैंने तुम्हें इच्छा मृत्यु का वर दिया, तुम्हें अपार शक्ति दी है, किंतु ध्यान रहे शक्ति के साथ साथ संयम का होना भी आवश्यक है। मैंने तुम्हें शक्ति इसलिए दी है कि तुम अपनी रक्षा कर सको, दूसरों को कष्ट देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कभी मत करना। प्रसन्न होकर हमें शक्ति का वरदान दे दिया, अब हम शक्तिशाली हो गए हैं, हमें किसी का भय नहीं, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, हमारी इच्छा के बिना हमें कोई नहीं मार सकता, तो फिर ये जल के जीव जंतु हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? मित्र, एक काम करते हैं, हम जल के अंदर उतरकर इन भयानक जीव जंतुओं के बीच जाकर माँ शक्ति के दिए हुए वरदान की परीक्षा लेते हैं। हाँ मित्र, चलो चलो। Thank you.
कैठव। हाँ मित्र मधु, अरे हम तो सचमुच शक्तिशाली हो गए। हाँ मित्र, हमने जल के इतने भयानक जंतु को मार गिराया। हाँ मित्र, अब जल का कोई भी जीव हमारे सामने आने का साहस नहीं करेगा। हाँ मित्र, अब हमें इस दान में निवास नहीं करना चाहिए। कहते हो बंधु, अब हमें कोई उत्तम स्थान चाहिए। उत्तम स्थान? ठीक कहते हो मित्र, क्यों ना इस सोए हुए विष्णु को हटाकर इस शेषता की शैया पर अपना अधिकार कर ले। हाँ, हाँ, बड़ा ही उत्तम विचार है बंधु, आओ। ये कितनी चिकनी चिकनी और कोमल शैया है, सोते ही नींद आ जाएगी। हाँ मित्र, अब हमारा निवास दान में नहीं इस सुंदर शेषता शैया पर है। परंतु मित्र, ये तो अभी तक गहरी निद्रा में सो रहा है। हाँ, इसे जगाकर यहाँ से हटने को कहते हैं। हाँ, ए विष्णु, जागो निद्रा से, उठो यहाँ से, अब तुम्हारे स्थान पर हम रहेंगे यहाँ। अगर तुम नींद से नहीं जागे तो हम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। रुक जाओ, तुम लोग किस नीच प्रकृति के हो? मेरे जिस स्वामी के कानों में तुमने आश्रय लिया, उनके प्रति तुम्हारा ये दुर्व्यवहार, यदि मुझे ये ज्ञात होता तो मैं तुम्हें कभी उस भयानक जलचर से न बचाता। यदि अब तुमने मेरे स्वामी की योग निद्रा में बाधा डालने का प्रयास किया तो परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। अरे जाओ, पहले हम दुर्बल थे, शक्तिहीन थे, किंतु अब हमारे पास अपार शक्ति है। देखो हम किस प्रकार तुम्हारे स्वामी को इस सुंदर शैया से उठाकर सागर में फेंकते हैं। अरे मित्र, मैं तो अग्नि की वर्षा कर रहा है। हाँ मित्र, इसके पास भी शक्ति है, इसे हम बाद में निपटेंगे। चलो कोई और स्थान ढूंढते हैं। हाँ मित्र, यह उचित रहेगा। वो देखो मित्र, वो ऊपर है ना, देखने की वस्तु। सबसे कहा मित्र, ये तो उससे भी उत्तम स्थान है। चलो वहीं चलते हैं। हाँ चलो, इससे तो बाद में निपटेंगे। शक्ति, यह आपने क्या किया? आपने दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। महादेवी, मैं माता हूं, मेरी संतान जब भी मेरा आह्वान करेगी मुझे जाना होगा। वो मुझसे जो भी वरदान मांगेगी मुझे देना पड़ेगा। मेरे लिए तो देवता, दानव सभी एक समान है, सत्य है। किंतु हे माँ शक्ति, आपने इस वरदान का परिणाम सोचा है? वो दोनों दैत्य मधु और कैटव अपने ही जन्मदाता पर आक्रमण कर बैठे। यदि शेषनाग ना होते और भगवान विष्णु की योग निद्रा टूट जाती तो अनर्थ ही हो जाता। किंतु हे आदिशक्ति, अब वो दोनों दैत्य ब्रह्मा जी की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए। महादेवी, मैंने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, क्योंकि उनकी इच्छा सही सही उनकी मृत्यु तो अवश्य होगी। और हे महादेवियो, ब्रह्मा जी तो ब्रह्म के अंश हैं। हे माँ शक्ति,
उनके पास तो कोई शस्त्र नहीं है, और शस्त्र के बिना ऐसे दो शक्तिशाली दैत्यों का सामना वो कैसे करेंगे? आप चिंतित ना हो महादेवी, मैंने उन दोनों दैत्यों को शक्ति दी है, किंतु शक्ति के साथ साथ मैंने उन्हें चेतावनी भी दी है। यदि उन्होंने शक्ति का अनुशासन भंग करने का प्रयास किया तो शक्ति मेरा स्वरूप है, शक्ति मेरी आज्ञाकारिणी है। मैं जिस किसी को भी शक्ति देती हूँ उसके पास वो मेरी धरोहर होती है। जो भी मेरी इस धरोहर के साथ दुर्व्यवहार करता है तो मैं अपनी ये धरोहर उससे छीन लेती हूँ। शक्ति मेरे लिए एक ऐसी डोरी है जिसका एक ही छोर है, और वो छोर मैं जब चाहूँ खींच लेती हूँ। प्रारंभ चाहे किसी के भी हाथ में हो, अंत मेरे हाथ में है। अब आप देखती जाइए कि ब्रह्मलोक में क्या होता है। मधु, ये अकेला व्यक्ति इतने बड़े स्थान में और इतने सुंदर आसन पर बैठा है, और इसके हाथ में तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हाँ मित्र, ये स्थान हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। यदि ये स्थान हमने अपने अधिकार में कर लिया तो कुछ दिनों पश्चात हम विष्णु से शेषनाग आसन भी छीन लेंगे। क्यों ना इसे उठाकर सागर में फेंकते हैं? नहीं मित्र, पहले इसे हम जगाते हैं। यदि यह हमारे साथ युद्ध करने को तैयार हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी शक्ति है। ठीक है, अभी जगाता हूं। देखने में तो बड़ा सीधा सादा लगता है, इसे सताने में बड़ा आनंद आएगा। हे, उठो! अरे सुना नहीं तुमने? तुमसे कह रहा हूं, उठो। कौन हो तुम दोनों? आदर से बात करो, उठो, हमें प्रणाम करो, फिर हमारे साथ युद्ध करो। तुमसे युद्ध करूं? क्यों युद्ध करूं? पहले अपना परिचय तो दो। पहले तुम अपना परिचय दो। मैं? मुझे नहीं जानते, मैं ब्रह्मा हूं, ये मेरा लोक है, मैं भाग्य विधाता हूं। भाग्य विधाता? अब हम तुम्हारे भाग्य विधाता हैं। ये लोक तुम्हारा था, अब हमारा है। आसन से नीचे उतरो और हमारे साथ युद्ध करो। मैं कैटब और ये मधु है। ये समय मेरे ध्यान का समय है, इसलिए तुम दोनों यहां से चले जाओ। जाओ। हे स्वामी, ये दानव भगवान विष्णु के कानों से निकले हैं, इसलिए इनसे युद्ध करना व्यर्थ है। आप शीघ्र भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, वे ही इन दुष्टों का संहार करेंगे। पूछता हूं, आसन से नीचे उतर के हमारे साथ युद्ध करोगे या नहीं? अवश्य करूंगा, किंतु मुझे थोड़ा समय दो, मैं किसी से परामर्श करके आता हूं।
सुना मित्र मधु, ये हमसे समय मांग रहा है, क्या करें? इसे समय दे दो मित्र। यदि ये भाग गया तो? यदि ये भाग गया तो ये लोक हमारा हो जाएगा, स्थान हमारा हो जाएगा, और यदि ये युद्ध में हमसे मारा गया तो भी ये स्थान हमारा होगा। इसे समय दे देना चाहिए मित्र। ठीक, सुनो, क्या नाम बताया तुमने अपना? अरे हाँ, ब्रह्मा। जाओ, हम तुम्हें एक प्रहर का समय देते हैं। बड़ा उपकार किया आप दोनों ने। शेष की सैया पर निवास करने वाले, आंखें खोलिए और देखिए मेरे साथ क्या अन्याय होने जा रहा है। हे वासुदेव, मेरे धैर्य की परीक्षा न लीजिए। मधु और कैटब नाम के दो दैत्यों ने मेरे ब्रह्मलोक पर अपना अधिकार कर लिया है और वो दोनों मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं। फिर से लोकीनाथ, आदि शक्ति ने आपके समक्ष मुझसे कहा था कि जब भी मुझ पर कोई संकट आएगा आप मेरे रक्षक होंगे। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपके पास आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हे पालनकर्ता, मेरी रक्षा कीजिए। हे स्वामी, मैं आपकी शक्ति सरस्वती आपको इस संकट में नहीं देख सकती। इस समय भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में है। आप आदि शक्ति का आह्वान कीजिए, क्योंकि आदि शक्ति ही योग निद्रा है जो भगवान विष्णु के नेत्रों में विश्राम कर रही है। हे आदि शक्ति, आपके आदेशानुसार ही भगवान विष्णु के समक्ष अपनी रक्षा के लिए खड़ा हूं। वो विष्णु जो सारे संसार के अपने रक्षा कवच के अंतर्गत रक्षा करते हैं, यदि आपने इनको निद्रा के वश में कर दिया तो मेरी क्या गति होगी? आप निद्रा बनकर इनके नेत्रों में विराजमान हैं, मेरी रक्षा कीजिए। इनके नेत्रों से बाहर आ जाइए, क्योंकि वो दोनों दैत्य किसी भी समय यहां आ सकते हैं। मेरी रक्षा कीजिए आदिशक्ति, रक्षा कीजिए।
सभापति आप? आपके मुखमंडल पर चिंता की ये रेखाएं कह रही हैं कि आप किसी गंभीर समस्या में उलझे हुए हैं। आपने सत्य कहा पद्मनाभ, दो दानव मधु और कैटभ मेरे ब्रह्मलोक में आ गए और उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। क्या? हाँ त्रिलोकीनाथ, वे दोनों मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। माता आदिशक्ति ने मुझसे कहा था कि संकट के समय मैं आपसे सहायता मांगू, मेरी रक्षा कीजिए हे त्रिलोकीनाथ। चलिए ब्रह्मा जी, मैं आपके साथ चलता हूं, देखता हूं कि वो कैसे दानव हैं जो सृष्टि के रचयिता से उनका लोक छीन लेना चाहते हैं। अच्छा, तो परामर्श के नाम पर तुम इसे बुलाने गए थे? हम समझ गए तुम बहुत चतुर हो। हम दो थे इसलिए तुम इसे ले आए, और तुम तो सो रहे थे। हाँ, यदि मैं जाग गया होता तो तुमको इस दृष्टता का अवसर ही ना देता। अपनी अशिष्टता के लिए इनसे क्षमा मांगो और यह स्थान छोड़कर चले जाओ। मित्र कैटभ, कहीं हमारे कानों को भ्रम तो नहीं हो रहा है? तुम्हारा भ्रम बस थोड़े समय पश्चात टूट जाएगा। जिनके कानों से तुमने जन्म लिया है उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु? मित्र कैटभ, हमारी मृत्यु? व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करो। आज तो इनके पास अग्नि की वर्षा करने वाला प्राणी भी नहीं है। हाँ, चलो मित्र, आज माँ शक्ति के दिए हुए वरदान का पहला प्रयोग विष्णु पर करते हैं, क्योंकि इसके हार पर हमें दो दो लाभ प्राप्त होंगे। ब्रह्मलोक के साथ साथ विष्णु लोक पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा। ये तुम नहीं, तुम्हारे मुख से शक्ति का अहंकार बोल रहा है। जो शक्तिशाली है वो दूसरों की रक्षा करता है। शक्ति एक सूर्य के समान है जो दूसरों को प्रकाश देने के लिए मिलती है, किंतु अहंकारियों के लिए एक ऐसी अग्नि है जो स्वयं को जलाकर राख कर देती है। विष्णु, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। देखो, तुम दानव हो और तुम्हारा निवास स्थान पाताल में है। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, तुम दोनों ये ब्रह्मलोक छोड़कर कहीं और चले जाओ। तुम्हारा ये साहस? Yeah!
हे नाथ, ये मधु और कैटब माँ शक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनके हृदय में मृत्यु की इच्छा उत्पन्न हो जाए। धन्यवाद देवी, आप सचमुच मेरी शक्ति हैं।
सुंदर, अति सुंदर। किंतु एक व्यक्ति पर दो दो का एक साथ आक्रमण करना तुम दोनों महावीरों को शोभा नहीं देता। तुमने सत्य कहा सुंदरी, किंतु वो दूसरा कहां दृश्य हो गया? कदाचित हमारे भय से भाग्य होगा। पर हे सुंदरी, तुम कौन हो? अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ करो। मैं माया हूं, अपनी इच्छा से आती हूं, अपनी इच्छा से जाती हूं। मैंने तुम दोनों महावीरों को लड़ते हुए देखा, तुम्हारी शक्ति देखकर मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं। परंतु तुम अपने आश्रयदाता से युद्ध कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। सुना है तुम इनके कानों में निवास कर चुके हो। तुमने सत्य सुना है सुंदरी, किंतु हम क्या करें? हम तो यहाँ ब्रह्मा से युद्ध करने आए थे, ब्रह्मा इन्हें यहाँ ले आए, हम विवश हैं सुंदरी। सुंदरी, इनकी बातों पर ध्यान न दो, तुम्हें देखकर हमारा मन तुम्हारी ओर खिंच रहा है। यदि तुम हमें थोड़ा सा समय दो तो हम दोनों की जीवन लीला समाप्त करके तुमसे प्रेम याचना करेंगे। नहीं, मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं कर सकती। क्यों सुंदरी? यदि तुम अपने आश्रयदाता से युद्ध कर सकते हो तो ना जाने मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे। सुंदरी, हम विवश हैं इनसे युद्ध करने के लिए। तुम इनसे पूछो कि ये हमारे और ब्रह्मा के बीच क्यों आ गए। मैं इनसे क्यों पूछूं? इतनी सी बात तो कोई भी समझ सकता है। हम समझे नहीं सुंदरी। बड़ी सरल सी बात है। देखो, तुम दोनों महान हो, शक्तिशाली हो, तुम्हें इनसे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? इन्हें एक अच्छा सा वरदान देकर प्रसन्न कर दो। ये वरदान प्राप्त करके यहाँ से चले जाएंगे। फिर तुम दोनों ब्रह्मा जी से जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो। अरे, ये तो बड़ी सुंदर बात करी तुमने। सचमुच हम संसार में सबसे शक्तिशाली हैं। हम जिसे चाहे जो चाहे वरदान दे सकते हैं। विष्णु, इस सुंदरी के लिए हमारा मन अधीर हो रहा है, इसलिए जितना शीघ्र हो हमसे जो चाहो वरदान मांग सकते हो। मैं जो भी चाहूं तुमसे वरदान मांग सकता हूं? हाँ हाँ, मांग लो। फिर तो मैं तुमसे उसी समय वरदान मांगूंगा जब तुम एक प्रण करोगे। कैसा प्रण? जो वरदान तुम मुझे दोगे उसकी इच्छा भी स्वयं तुम अपने मन में करोगे। हम तुम्हें जो भी वरदान देंगे अपने मन से देंगे, अपनी इच्छा से देंगे, ये हमारा वचन है। हाँ हाँ, वचन है। और देखो, अब देर न करो, ये सुंदरी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। इसके लिए हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है। जो भी वरदान मांगना है मांग लो। हे महाशक्तिशाली वीरो, मैं एक ही वरदान मांगता हूं तुमसे कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। अरे, ये हमने क्या किया? सुंदरी, तुमने हमारे साथ छल किया है, ये सब तेरे कारण हुआ है। तुमने सुंदरी बनकर हमारे साथ छल किया है विष्णु, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हें इसका अवसर नहीं मिलेगा। Thank you.
धन्य हैं आप हे पद्मनाभ, आपने इन दैत्यों से मेरी और मेरे ब्रह्मलोक की रक्षा की। हे आदि प्रजापति, रक्षा का भार मुझे दिया गया है, तो मैंने आपकी और आपके ब्रह्मलोक की रक्षा करके अपना उत्तरदायित्व पूरा किया है। स्तुति से अहंकार का और निंदा से घृणा का जन्म होता है। मैं इन्हीं तत्वों से सृष्टि को बचाना चाहता हूं। ये दोनों आसुरी शक्तियां हैं, इन्हें कान का मैल ही समझना चाहिए और इन्हें कान से निकालकर सदैव के लिए समाप्त कर देना चाहिए, और मैंने वही किया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। मानव की रचना करते समय मैं ये बात मानव के विवेक में अवश्य डाल दूंगा कि वे अपने कानों में निंदा और स्तुति नाम के मैलों को कदापि स्थान न दें।